मम्मी। अरे वाओ, समोसे तो कितने ज्यादा टेस्टी है, दो में तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। अगर मुझे प्रियांशु के भी समोसे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्रियांशु क्या? अरे मैंने तुझे ना एक वीडियो शेयर किया, वो देखना। अब इसका बड़ा वाला समोसा मैं ले लेती हूँ। अरे बाप रे, वीडियो तो बहुत फनी है। अरे मेरा समोसा छोटा कैसे हो गया? चलो छोड़ो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. एक ही समोसा? समोसा चोर मेरी प्लेट में से समोसा लेकर मुंह में दबाई बैठी है और नाटक कर रही है। चुपचाप से मेरा समोसा दे दे, वरना मैं तेरी प्लेट में से ले लूंगा। ये मुंह मत कर, चुपचाप से मेरा समोसा दे दे, वरना मैं मम्मी को बुला दूंगा। सुमानी कुछ देर रुक, मैं अभी मम्मी को बुला के लाया। एक और खा लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अरे क्या हुआ? ये देखो मम्मी, सुहानी मेरे दोनों समोसे खा गई। मम्मी आप हम दोनों को समोसे देके गई थी, ये खुद के समोसे तो खा गया, साथ में मेरे भी खा गया, और अब देखो मेरा ही झूठा नाम लगा रहा है। प्रियांशु ये गलत बात है ना, एक तो तुम अपनी छोटी बहन के सारे समोसे खा गए और ऊपर से उस पे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चलो बेटा मैं तुम्हें दूसरे समोसे दे देती हूँ और तुम जाओ जाके वहां बैठो। बच्चों कहाँ हो तुम? हाँ पापा बोलो क्या हुआ? बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ, पेस्ट्री। वाओ पापा थैंक यू। पापा ये तो मेरी फेवरेट पेस्ट्री है। बच्चों दोनों के लिए एक एक है, तो अच्छे से खाना, झगड़ा मत करना, ठीक है? मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके पापा। अरे वाह ये पेस्ट्री तो कितनी यम्मी दिख रही है, अब इन दोनों पेस्ट्री को सिर्फ मैं खाऊंगी और प्रियांशु को बेवकूफ बनाऊंगी। अरे प्रियांशु रुक, तेरा फोन बज रहा है, जा जाके देख क्या। जाने दे जाने दे, अभी पहले पेस्ट्री। अरे कल मैंने दिया को तेरा फोन नंबर दिया था, शायद उसका कॉल हो। सच में दिया का नंबर? प्रियांशु तू यम्मी पेस्ट्री छोड़ के चला गया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू ही भुगत। ये कंपनी को भी अभी फोन करना था। Oh my God, मेरी पेस्ट्री? मेरी पेस्ट्री? मेरी पेस्ट्री कहाँ गई? थोड़ी सी भी शर्म है तेरे को? अरे बेवकूफ, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली करने को बोलेगा तो पतीला तो चाटी जाएगी ना। बच्चों क्या हुआ, कैसी लगी पेस्ट्री? अरे पापा कौन सी पेस्ट्री, किसकी पेस्ट्री, ये खुद की पेस्ट्री तो खा गया और जब मैं मेरी खा रही थी तो मेरी भी खा गया, उससे मेरा मजाक उड़ाने लगा। क्या तुमने ऐसा किया इसके साथ? नहीं पापा ये झूठ बोल रही है। कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है वो तो मैं डिसाइड कर लूंगा, तुम चलो बेटा मेरे साथ, तुम्हें पेस्ट्री भी खिलाऊंगा और पिज्जा भी, और तू बैठ यहाँ पे। भगवान ये कौन सा इंसाफ है, सुबह समोसे भी उसने खाए, अभी पेस्ट्री भी उसने खाई और अब पिज्जा भी वही खाएगी। बच्चों मैं आ गया। अरे वाह वाह आ गए, बैठो बैठो अंकल। चलो अब तक बच्चे कुछ ज्यादा खुश हो गए मेरे आने से। चलो आपकी बात मान ली, लेकिन आप यहाँ पे आए हो तो मान ली क्या गिफ्ट लाए हो? हाँ हाँ अंकल बताओ क्या गिफ्ट लाए हो। हाँ हाँ बच्चों मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये लो प्रियांशु तुम्हारा गिफ्ट। ओ वाह अंकल मैग्नीफाइंग ग्लास, ये तो मेरी स्टडीज में बहुत काम आएगा। और अंकल मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए भी लाया हूँ सुहानी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाओ हेडफोन, थैंक यू अंकल। चलो बच्चों मुझे मुंबई के लिए निकलना है, ठीक है? बाय बाय। ये अंकल भी ना प्रियांशु को इतना महंगा गिफ्ट देके गए और मुझे ये सस्ता सा हेडफोन, लेकिन प्रियांशु तेरे पास ये गिफ्ट ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। अरे
लाइट कैसे चली गई? अरे ये सुहानी कहाँ गई? और मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ गया? इसने फिर से मौके का फायदा उठा लिया। सुहानी तू तो गई। सुहानी चुपचाप से मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे, वरना तो क्या मम्मी पापा को बोलेगा। जाके बोल दे, मैं भी बोल दूंगी ये मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे लिए लाए थे और ये ईयरफोन तेरे लिए। सुहानी चलो आखिरकार 3-4 महीने की पॉकेट मनी की सेविंग्स के बाद आज ये घड़ी मैंने ले ली। अब जब पापा मम्मी शाम को आएंगे तब उनको ये सरप्राइज दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। चलो ये घड़ी तो मैंने सुहानी से छुपा दी, अगर वो देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा देव प्रियांशु मुझसे छुपा के मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहता है। सुहानी ये घड़ी तो सिर्फ तेरे हाथ में अच्छी लगेगी, उस बंदर के हाथ में नहीं। और शाम को तो मैं तेरा ऐसा हल करूंगी ना कि तू मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लायक नहीं रहेगा। मम्मी पापा प्रियांशु जल्दी आप पर आओ। क्या हुआ बेटा? मम्मी पापा आपको मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है बोलो। मम्मी पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि 2-3 दिनों से मैंने प्रियांशु की कुछ चीजें धोखे से ले ली और उसके हिस्से की कुछ चीजें मैंने खा ली। मम्मी आज मैं खुद श्री कृष्ण भगवान ने अपने दर्शन दिए और मुझे सही रास्ता दिखाया। क्या श्री कृष्ण भगवान ने खुद तुम्हें दर्शन दिए? वो कैसे? हे भगवान मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, क्या जन्माष्टमी के दिन आप मुझे सड़क पे मिले। हे श्री कृष्ण भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। नहीं वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। भगवान जी मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? सुहानी मैं तुमसे क्रोधित हूँ, तुमने अपने लालच में आकर अपने भाई का दिल दुखाया है। हे श्री कृष्ण भगवान जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी, आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। तथास्तु वत्स। मैं श्री कृष्ण भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन मेरे समोसे और पेस्ट्री? अरे वो मैं तुझे अपने पैसों से खिला दूंगी, चल जा।